ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। जैसा कि दोस्तों बहुत कम टाइम बचा है आपके केवीएस एग्जाम को, उसको देखते हुए आपके प्रैक्टिस को मैं जल्दी से जल्द पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ए पार्ट नंबर 12 है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे, पाठ को रुचिकर बनाएंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। तो विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने के लिए ये सभी चीजें आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बच्चे का प्रथम गुरु होता है तो उसका माता पिता यानी कि अभिभावक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञान अनुभव एवं शोध के अतिरिक्त और कौन सा गुण शिक्षक को शिक्षण के लिए चाहिए। ऑप्शन है अभिरुचि, शिष्यों के प्रति झुकाव, आदर्शवाद। तो ये सभी, एक ज्ञान अनुभव शोध के अतिरिक्त ये सभी गुण होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक अभिरुचि का अर्थ है, शिक्षक अभिरुचि का अर्थ है, तो शिक्षक अभिरुचि का क्या अर्थ है दोस्तों। इसका अर्थ है कि शिक्षण में समर्पण की भावना, शिक्षण में समर्पण की भावना, पूर्ण रूप से इसमें तल्लीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की भर्ती के लिए शिक्षण अभिरुचि की जांच आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन है कि एक व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है उससे यह पता नहीं चलता है कि वह एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। बी है, यह पता लगाना होता है कि वह व्यक्ति एक सफल शिक्षक हो सकता है अथवा नहीं। सी है कि इससे यह जानकारी मिलती है कि वह शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण अभिरुचि की जांच क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे यह जानकारी मिलती है कि वह शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य गलत है, शिक्षक पक्षपाती होता है कि शिक्षक उत्प्रेरित होता है कि शिक्षक अच्छा शिक्षा शिक्षक पूर्व नियोजित होता है, अच्छा शिक्षक एक निर्देशक होता है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा उद्देश्य गलत है, तो आपका इसमें हो जाएगा कि शिक्षक पक्षपाती होता है। तो शिक्षक पक्षपाती तो कभी होता नहीं है और न तो पूर्व नियोजित होता है, तो गलत कौन सा है दोस्तों। पक्षपाती शिक्षक तो हो ही नहीं सकता, अब पहले से नियोजित, तो उद्देश्य इसमें गलत कौन है, तो शिक्षक पक्षपाती होता है, आपका गलत है क्योंकि शिक्षक कभी पक्षपाती नहीं होता, सभी पे समान आपको व्यवहार करना है, समान रूप से आपको सब कुछ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन से आपको क्या समझना चाहिए, शिक्षक को साधन पूर्ण होना चाहिए, ये कथन है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उनके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि समस्या का समाधान आसानी से कर सके, ठीक है। इस कथन का क्या मतलब है कि शिक्षक को साधन पूर्ण होना चाहिए, यानी कि उनके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि समस्या का समाधान आसानी से कर सके। नेक्स्ट है, शिक्षक को प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं, उनकी सोच छिप जाती है, बच्चे लापरवाह हो जाते हैं एवं प्रश्न के मतलब को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो यहां भी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका है जिसके द्वारा पूर्व ज्ञान की भी प्राप्ति विद्यार्थी को मिल जाती है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो सबसे अच्छा तरीका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिस भी हम ऑप्शन को पढ़ा रहे हैं तो हम उससे बच्चों से देखेंगे पहले से इस चीज के बारे में क्या वो जानते हैं, तो उस ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जानेंगे तो पूर्व ज्ञान की प्राप्ति विद्यार्थी को मिल जाएगी और उसका वो सही उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो पाठ को विकसित करने के लिए, सृजनशीलता के साधारण के लिए, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों? ये सभी ऑप्शन आपका सही होना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाषा, व्याकरण या कथन में गलती हो तो क्या करना चाहिए? गलती को चिन्हित करना देना चाहिए कि गलती में सुधार करवा देना चाहिए? तो दोस्तों इसमें गलती में सुधार करना चाहिए। कोई भी चीज आपको गलत हो गया कथन में या लिखावट में, किसी भी चीज में, भाषा व्याकरण, तो उसको सुधार कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री जो कक्षा में उपयोग किया जाए उसे होना चाहिए कैसा? कक्षा में तैयार किया गया हो, कि पाठ योजना में अंकित किया गया हो, कि उपयोग किया जाए जब विद्यार्थी उत्सुक हो, कि पाठ के प्रारंभ में उपयोग किया जाए। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसको पाठ के प्रारंभ में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल विधि का विशिष्ट लक्ष्य है, तो खेल विधि का विशिष्ट लक्ष्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है खेल के द्वारा अध्ययन करना, यहाँ अध्ययन से मतलब है मुक्त अध्ययन जो खेल के द्वारा होता है, शिक्षा बिना खेल के पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है। खेल विधि का मतलब है कि शिक्षा बिना खेल के पूर्ण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का योगदान है, तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि यानी कि फ्रॉबेल का योगदान है किंडरगार्टन विधि, यानी कि जो अध्ययन है उसको खेल खेल में सिखाया जाए। नेक्स्ट है मैकाले द्वारा शिक्षा नीति कब पारित की गई, तो भारत में मैकाले द्वारा शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 1835 में। नेक्स्ट है छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे, तो सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे? ऑप्शन है छात्रों को उस विधि द्वारा पढ़ाकर, कि सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को गोष्ठी कराने से, कि सूक्ष्म शिक्षण पर भाषण देकर, कि प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, कि सूक्ष्म विधि के महत्व को आप कैसे छात्रों को समझाएंगे, कि प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देकर। नेक्स्ट है शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है, तो दोस्तों पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम, बालक के पाठ्यक्रम को देखकर ही हम जान जाएंगे कि किस ओर जाना चाहता है, किस चीज में इसकी रुचि है। नेक्स्ट है छात्रों के काम का उचित मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है इससे छात्रों की परीक्षा देने का अनुभव होगा, इससे समय का सदुपयोग होगा, इससे वह साल भर पढ़ने के लिए उत्प्रेरित होते रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया ही नहीं है दोस्तों। छात्रों को काम का उचित मूल्यांकन करने से निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, इससे क्या होगा दोस्तों कि उसको अपने बारे में पता चलेगा कि हमारे लिए कहां कहां तक कमियां हैं और हमको अभी तक कितना मेहनत करना है और उसको सुधार करेगा, यही इसमें सही हो सकता है। टेस्ट है बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन है उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने के लिए कहेंगे, उनको शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, शब्द को टुकड़ों में बांट कर श्याम पर लिख देंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाएंगे, यदि हम बच्चों को नक्शा पढ़ा रहे हैं, मैप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले उसको बताएंगे दिशा का ज्ञान, ठीक है, सबसे पहले नक्शे में दिशा का ज्ञान पढ़ाएंगे, तब अगला स्टेप लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्या राय है किसमें, स्कूलों में छुट्टियां घटा दी जाए, अध्यापकों को खाली पीरियड न दिया जाए, रविवार की छुट्टी समाप्त कर दी जाए, कि प्रतिदिन पढ़ाई का समय बढ़ा दिया जाए। तो आपके आपकी क्या राय है, तीन, तो यहां भी ऑप्शन नंबर ए हो गया, स्कूलों में छुट्टियां घटा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मातृभाषा में पढ़ाने से वो अपने ही वातावरण में स्वाभाविक वातावरण में पढ़ाई करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इससे बच्चे की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। नेक्स्ट है, वनस्पतिक प्रोटीन में सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में पाया जाता है। तो दोस्तों, वनस्पतिक प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का क्या कार्य करता है, हमारे शरीर निर्माण का कार्य करता है। जैसे कि पोषक तत्वों को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा शरीर का निर्माण करने वाले, और तीसरा शरीर की रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, और निर्माण करने वाले में प्रोटीन, ऊर्जा प्रदान करने वाले में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, एंड शरीर का निर्माण करने वाले में प्रोटीन, और शरीर की रक्षा करने में विटामिन एंड खनिज लवण। ठीक है, विटामिन एंड खनिज लवण जो है शरीर की रक्षा करते हैं। सबसे जल्दी कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, एक ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी, एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में काम आने वाले विभिन्न पाचक रसों का तथा हार्मोन्स का निर्माण करने में निम्न सर्वाधिक सहायक है। तो शरीर में काम आने वाले विभिन्न पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण करने में निम्न सर्वाधिक सहायक है, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, उपरोक्त कोई नहीं। यहाँ पे सभी भी सहायक है, बट प्रोटीन सबसे ज्यादा सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासी योरकर तथा मरास्मस नामक रोग बच्चों में निम्न की कमी से पैदा होते हैं। तो क्वासी योरकर और मरास्मस नामक रोग जो होता है कुपोषण के द्वारा, यानी कि प्रोटीन के कमी से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है। ऑप्शन है मरास्मस, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। बी है क्वासी योरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कीटोसिस, यानी वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो कीटोसिस। नेक्स्ट है, पर्वतारोही व्यक्तियों के भोजन में सर्वाधिक आवश्यकता निम्न भोजन की होती है। तो पर्वतारोही व्यक्तियों में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है दोस्तों, उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आवश्यकता होगी। वही भी पूछेगा बॉडी बिल्डर्स यानी कि वेट लिफ्टर के भोजन में कौन सा भोजन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो प्रोटीन, जो शरीर निर्माण को कर सके। नेक्स्ट है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निम्न होती है। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% होती है। कितना होता है, 4%। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।